Prime Minister Narendra Modi today held a review meeting with Odisha Chief Minister Naveen Patnaik and officials concerned in Bhubaneswar in the aftermath of severe cyclone Fani that hit the state on the 3rd of May, causing mass destruction. The Prime Minister also conducted an aerial survey to take stock of the cyclone-hit areas in the state. Modi will also visit areas affected by the cyclone Fani later. आज मैंने पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन भी देखा गवर्नर साहब मुख्यमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं एरियल सर्वे करके भी पूरी स्थिति का आकलन किया है पिछले 7-8 दिन से लगातार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा केंद्र और राज्य के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट रहा राज्य सरकार की टीम भी बहुत ही प्रोएक्टिव भी थी रिस्पॉन्सिव भी थी मैं भी चुनाव की आपाधापी में बीच बीच में 1000 किलोमीटर दूर जब साइक्लोन था वहीं से मैं मॉनिटर करते आ रहा था और लगातार बीच में भी मैंने मीटिंग करके उसको भारत सरकार की टीमों को एडवांस में भेजने की व्यवस्था की थी लेकिन केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी यहाँ की ग्रासरूट लेवल की मशीनरी सब ने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया कि जिस प्रकार से उड़ीसा के नागरिकों ने और हमारे मछुआरे भाइयों बहनों ने सरकार की सभी सूचनाओं का पूरा पूरा पालन किया वरना होता क्या है हम कहेंगे मुसीबत आएगी घर खाली करो कोई खाली नहीं करता इस बार उड़ीसा के नागरिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया वो अभिनंदन के पात्र है यहाँ के मछुआरे अभिनंदन के पात्र हैं उसके कारण बहुत कम जान हानि हुई Modi announced a compensation of Rs 2 lakh to the kin of those deceased and Rs 50,000 for the injured. जिन परिवारों ने अपने स्वजन को खोया है हर मृतक व्यक्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपया जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपया तक की पूरी सुविधा भी भारत सरकार करेगी